हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉन्ग लाइफ ब्यूटी टिप्स। में आज मैं आपको बताऊंगी कि कार इंश्योरेंस क्या है, ये कितने टाइप का होता है और ये हमें क्यों कराना चाहिए और ये कराना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार इंश्योरेंस आपकी कार को कई प्रकार के हर्जाने, चोरी, थर्ड पार्टी दायित्व के खिलाफ आवश्यक वित्तीय कवर प्रदान कराता है। हम सब इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत में यदि हम व्हीकल इंश्योरेंस प्लान के बिना कार चलाते हैं तो हमें इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। कार इंश्योरेंस लाभकारी है और उपयोगी सुविधाएं प्रदान करता है जो निश्चित रूप से जरूरत के समय मदद करता है। नंबर वन, ये उन सभी वित्तीय दायित्व के खिलाफ आवश्यक कवर भी प्रदान करेगा जो किसी थर्ड पार्टी के चोट या मृत्यु या संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं। सेकेंड नंबर, व्यक्तिगत दुर्घटना भी वित्तीय कार इंश्योरेंस के अंतर्गत आएगी। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा कराए बिना उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उसे कोई दुर्घटना हो गई है तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी मदद कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो या किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई दो पहिया या फिर तीन पहिया वाहन या कार है तो आपका बीमा कराना जरूरी है। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो चलिए अब बात करते हैं कार इंश्योरेंस के लाभ किस प्रकार के होते हैं। कार इंश्योरेंस आपको कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है जो कि इस प्रकार है। कार इंश्योरेंस के लाभ जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि नुकसान या क्षति के खिलाफ कवर, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, नो क्लेम बोनस, रोड साइड एक्सीडेंट। नुकसान या क्षति के खिलाफ कवर, दुर्घटनाओं, आग, चोरी, विस्फोट, दंगों, आतंकवादी गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली नुकसान या क्षति के खिलाफ कवरेज। व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, किसी थर्ड पार्टी की चोट या मृत्यु या वाहन को नुकसान के कारण वित्तीय दायित्व के खिलाफ कवर। अतिरिक्त कवर, कार इंश्योरेंस अपने लाभों के कारण भारत में एक आवश्यक बन गया है। आपको अपने वाहन की सुरक्षा के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी में भी निवेश करना चाहिए। थर्ड पार्टी के दायित्व कवर के साथ आपके द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान भारी जुर्माना देने से आपकी रक्षा कर सकते हैं। जीरो डिप्रिएशन कवर, जैसे जैसे आपकी कार पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाती है। इसी वैल्यू को कवर करने के लिए आप जीरो डिप्रिएशन कवर के लिए जा सकते हैं। जीरो डिप्रिएशन कवर 3 साल पुरानी कार पर ही प्राप्त कर सकते हैं। कवर पर इस एड ऑन का लाभ उठाने के लिए आपको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। नो क्लेम बोनस, जब आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं तो आप नवीकरण के समय छूट का लाभ उठाने के लिए उत्तरदायी होंगे और इस तरह की छूट को नो क्लेम बोनस के रूप में जाना जाता है। रोड साइड एक्सीडेंट, एक प्रभावी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आपको कवर पर एड ऑन के रूप में लाभ उठाने का विकल्प मिलेगा। ये लाभ आपातकालिक परिवहन, दैनिक भत्ते, एक खराब बैटरी के मामले में सहायता टैक्सी लाभ, टोइंग सुविधा और कई सुविधाएं रूप में हो सकती हैं। जब आप अवांछित परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो ये छोटी चीज़ें आपको प्रभावी रूप से मदद करती हैं। इनवॉइस कवर, यह एक एड ऑन कवर है जो पॉलिसी धारक को आपकी कार के पूर्ण नुकसान के मामले में दुर्घटना के कारण किसी भी तरह की क्षति के मामले में सहायता करता है। ये इस एड ऑन कवरेज की मदद से आपको
वह राशि प्राप्त होगी जो चालान मूल्य और उसके विमित मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई करेगी। रिप्लेसमेंट कवर। इस एड ऑन की ये विशेषता आपको आश्वस्त करती है कि यदि आप अपनी कार की चाबी खो देते हैं तो ये सुविधा इसके रिप्लेसमेंट के खर्चों को कवर करेगी। ये नए कार लॉक की खरीद के लिए कवरेज भी प्रदान करेगा। इस सुविधा का लाभ बीमित व्यक्ति पूरी पॉलिसी में एक बार ले कर सकेगा। कैसे चुनें बेस्ट कार इंश्योरेंस प्लान। कार इंश्योरेंस मूल रूप से एक अनुवाद है जिसके अनुसार बीमाकर्ता कार को नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का होना अनिवार्य है। ये उन नुकसानों को कवर करने के लिए होगा जो आपको चोरी या क्षतिग्रस्त कार के मामले में सामना करना पड़ सकता है। आपके मोटर पॉलिसी संबंधी प्रीमियम की राशि आपकी कार के बीमित घोषित मूल्य IDB पर निर्भर करती है। IDB जितनी अधिक होगी प्रीमियम राशि उतनी ही अधिक होगी। कम IDB का कम प्रीमियम राशि की ओर जाता है। वर्तमान पॉलिसी खरीदने या नवीनीकृत करने के लिए पहले सुविधाओं या योजनाओं की तुलना करना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि कैसे बेसिक कार इंश्योरेंस प्लान के तहत कवर प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ जोखिम है जो एक बुनियादी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आवश्यक कवरेज प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप कवर में एड ऑन सुविधा के साथ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। नंबर 1, कार के सामान्य टूटने फूटने के कारण होने वाले खर्चे आमतौर पर एक स्टैंडर्ड प्लान में शामिल नहीं होते हैं। हालांकि आप जीरो डेप कवर का चयन करके इस पर कवर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, आमतौर पर एक कार इंजन गैर आकस्मिक खराबी के लिए कवर प्राप्त करने के लिए उत्तरदायक नहीं है। आप इंजन गार्ड कवर विकल्प द्वारा कवर कर सकते हैं। नंबर 3, कार या कार के ड्राइवर के साथ यात्रियों को मूल कार इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि आप आवश्यक दुर्घटना कवर के साथ इन सब को पॉलिसी में शामिल कर सकती हैं। नंबर 4, कार इंश्योरेंस पॉलिसी केवल भारत में ही मान्य है, लेकिन इससे पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव को प्रत्येक वाहन ₹500 के अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके कवर को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, हमेशा हमें यह सलाह दी जाती है कि पॉलिसी दस्तावेजों को ध्यान से देखें और उसमें शामिल सभी शर्तों को अच्छे से पढ़ें और समझें। दावा दायर करने के समय ये आपकी मदद करेगा क्योंकि ये भ्रम है से आपकी सुरक्षा और पूरी प्रक्रिया को बेहतर स्पष्टता प्रदान करता है। कार इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले विचार करने वाली बातें। ब्रांड। पॉलिसी खरीदते समय इंश्योरेंस कंपनी की प्रतिष्ठा पर ध्यान देना जरूरी है। आपको कंपनी के रिकॉर्ड और दावे के अनुपात की जांच करनी चाहिए। व्हीकल्स इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय खराब दावों के अनुपात वाली इंश्योरेंस कंपनी उचित नहीं होगी। नंबर 2, स्वैच्छिक अधिकता। विशेषज्ञों के अनुसार स्वैच्छिक अधिकता नो क्लेम बोनस राशि से कम होनी चाहिए जिससे आप अगले वर्ष के लिए योग्य होंगे। नंबर 3, सुरक्षा विशेषताएं। अगर आपकी कार में अलार्म, इमरजेंसी विलाइजर जैसी कोई सुरक्षा सुविधा है तो आप एक बढ़िया छूट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, NCB नो क्लेम बोनस। ये सलाह दी जाती है कि आप मामूली नुकसान और मरम्मत के लिए दावा ना करें जो आप अपनी जेब से भुगतान कर सकते हैं और जो आप पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता है। भविष्य की उच्च लागत खर्च में नो क्लेम बॉक्स आपकी सहायता करेगा। नेटवर्क गैराज। ज़्यादातर ऑनलाइन कंपनियां कैशलेस सेवाएं तभी प्रदान करती हैं जब आपके वाहन की मरम्मत नेटवर्क गैराज में की जा सके। इसलिए अपनी सूची में मौजूद अधिकतम नेटवर्क गैराज वाली बीमाकर्ताओं की तलाश करें।